नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो स्विच और दो सॉकेट वाले स्विच बोर्ड की जो है वो वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस स्विच बोर्ड में हमने दो सॉकेट और दो स्विच यूज़ किए हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपको कहीं पर अपने टीवी वगैरह के लिए या फिर दोस्तों होम थिएटर वगैरह के लिए या फिर दोस्तों किसी भी ज़रूरत के लिए आपको कोई दो सॉकेट वाला एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत है या फिर दोस्तों आप कहीं परमानेंट अपना कोई दो सॉकेट वाला स्विच बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो अगर आपको उसकी वायरिंग करने के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस स्विच बोर्ड की आपको वायरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस स्विच बोर्ड का जो है वो बैक पैनल है। दोस्तों, ये हमारा स्विच है और ये भी हमारा स्विच है, ये और ये हमारी सॉकेट है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इसकी वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपने स्विच की वायरिंग। ठीक है दोस्तों, स्विच की मदद से ही हम इन सभी सॉकेट की जो है वो वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सॉकेट के यहाँ पर L लिखा हुआ है और यहाँ पर N लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस N का मतलब है न्यूट्रल और L का मतलब है लाइन। यानी दोस्तों, यहाँ पर L लिखा हुआ है तो इस स्विच का नीचे के टर्मिनल वाला वायर यहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमारा वह वायर लगेगा जो हमें डायरेक्ट अपने लाइन पर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमने स्विच के अंदर जो है वो वायर कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, ये हमने सॉकेट के अंदर भी इस वायर को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों, हम इस दूसरे स्विच का वायर इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्विच से सॉकेट जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, हम इनपुट के लिए यहाँ से वायर निकाल रहे हैं जिससे दोस्तों हमारे इस स्विच बोर्ड के अंदर लाइट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे आपस में दोनों स्विच भी कनेक्ट हो चुके हैं और इन स्विच से हमारी सॉकेट भी कनेक्ट हो चुके हैं। अभी दोस्तों, हम न्यूट्रल वायर की वायरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि न्यूट्रल वायर के अंदर हम किसी भी प्रकार के स्विच वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। न्यूट्रल वायर के अंदर डायरेक्ट हम वायर जोड़ते हैं। और दोस्तों, अगर हमने हमारे स्विच बोर्ड के अंदर सॉकेट यूज़ की है तभी दोस्तों स्विच बोर्ड के अंदर हमारा न्यूट्रल वायर आएगा। अगर दोस्तों आपने सॉकेट यूज़ नहीं किया है तो स्विच बोर्ड के अंदर हमारे न्यूट्रल वायर का कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये दोनों वायर हमारे इनपुट के लिए वायर है, यानी दोस्तों इन दोनों वायर से हमारे इस स्विच बोर्ड के अंदर लाइट आएगी। दोस्तों, ये हमारा स्विच है और इस स्विच के इस टर्मिनल पर हमारी जो है वो लाइट वाला वायर लगेगा और यहाँ से जो आउटपुट होगा वो हमें इस सॉकेट के ऊपर यहाँ पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो कि दोस्तों डायरेक्ट लगा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, ये वाला सॉकेट है दोस्तों, यहाँ से जो एल लिखा हुआ है इसका वायर इस स्विच के साथ कनेक्ट हमने किया है और यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो लाइन हमारी इस स्विच बोर्ड के अंदर आएगी उस वायर को यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप भी बड़ी ही आसानी से अपने किसी भी स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।